नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव के सीओ को बना दिया गया सिपाही, होटल में महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने पर हुआ डिमोशन, जांच के बाद फैसला। उन्नाव के सीओ रहे कृपा शंकर कनौजिया को शासन ने सिपाही बना दिया है। यह एक महिला सिपाही के साथ जुलाई 2021 में कानपुर के होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। उन्होंने विभाग ही नहीं पत्नी को भी धोखा दिया था और पत्नी को दिए धोखे की वजह से ही वह फंस गए। लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद उन्नाव के सीओ को डिमोट कर सिपाही बना दिया गया। जांच के बाद 18 जून को विभाग ने निर्देश दिया था कि शनिवार को आदेश जारी किया गया। अब वह 26 बटालियन के सिपाही के तौर पर पीएससी गोरखपुर में है। अब जानिए पूरा मामला। कृपा शंकर कनौजिया मूलतः देवरिया के रहने वाले हैं। जुलाई 2021 में सीओ कृपा शंकर कनौजिया उस दौरान उन्नाव जिले की बीगापुर स्किल में तैनात थे। इस दौरान उसी थाने में तैनात एक सहयोगी महिला सिपाही के साथ उनके प्रेम संबंध हो गए, जबकि कृपा शंकर कनौजिया शादीशुदा थे। वहीं महिला सिपाही भी शादीशुदा थी, उसका पति प्रयागराज में सिपाही के पद पर तैनात था। कानपुर के होटल में लिया कमरा। 6 जुलाई 2021 को कृपा शंकर कनौजिया इलाज के लिए घर गोरखपुर जाने के लिए छुट्टी ली थी। पत्नी को बता भी दिया कि घर आ रहा हूं, लेकिन घर जाने की जगह एक महिला सिपाही को लेकर कानपुर में माल रोड स्थित होटल आ गए। अपने नाम से ही कमरा बुक किया और महिला सिपाही के साथ ठहर गए। उन्होंने सीयूजी और पर्सनल दोनों फोन बंद कर लिए। पत्नी ने कॉल की तो फोन देर तक बंद मिलते रहे। इस पर वह घबरा गई और उन्होंने एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी को कॉल कर चिंता जताई। वे अक्सर अपनी हत्या की आशंका जताते रहते थे। उनके फोन बंद होने से मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इन सर्विलांस सेल को लगाया। उनकी आखिरी लोकेशन माल रोड कानपुर के एक होटल में मिली। उन्नाव और कानपुर की संयुक्त टीम होटल पहुंची तो पता चला कि शाम 5 बजे से सीओ एक महिला के साथ कमरे में है। रूम बुकिंग में उनकी आईडी लगी थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।